अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पटेल मैदान और शहर की सफाई व्यवस्था चकाचौंध रहेगी। इसके लिए नगर परिषद मंडी की ओर से 7,41,000 रूपए का टेंडर कर दिया है। नगर परिषद उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शिवरात्रि मेला सफाई उप समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद के पार्षदों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और गैर सरकारी सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में मंडी पेयजल संवर्धन योजना के कारण शहर की गलियों की रास्तों की हालत को लेकर चर्चा की गई, जिसमें IPH विभाग के पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ी गई सड़कों की मुरम्मत किए जाने को कहा गया। वहीं पर शिवरात्रि के दौरान मंडी शहर में रोशनी की उचित व्यवस्था के लिए लाइट्स की अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने की बिजली विभाग को निर्देश दिए गए। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने गत वर्ष ही बैठक कार्यवाही भी हाउस के समक्ष पेश की गई, उसी के आधार पर इस वर्ष भी शिवरात्रि के दौरान सफाई व्यवस्था का इंतजाम करने का आश्वासन दिया। वहीं पर मेले के दौरान पटेल मैदान में अग्निशमन के दमकल के खड़े होने के स्थान और आपातकाल में मेला मैदान में गाड़ी ले जाने के लिए बैरिकेड्स हटाने बारे भी लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया। इसके अलावा नगर परिषद, IPH और शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर की पेयजल टंकियों की साफ सफाई की जाएगी। वहीं पर पेयजल और स्वच्छता को लेकर जागरूकता वाले 12 फरवरी को मंडी शहर में स्वच्छता जलेब निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न स्कूलों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों आदि को भी शामिल किया जाएगा, जिससे जनपद के देवी देवताओं के साथ आने वाले दीवालों के लिए स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। बैठक में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा, नीलम शर्मा, अशोक गुप्ता, डॉ चंद्रेश आदि उपस्थित रहे। शिवरात्रि मेला उप समिति, सफाई उप समिति की बैठक नगर परिषद समिति हॉल में की गई, जिसमें नगर परिषद का सफाई के प्रति जैसे मुख्य रूप से मेले में तथा शहर में योगदान रहता है, उसी प्रकार आज यहां पर स्वास्थ्य विभाग से अधिकारी आए हुए थे, नेशनल हाईवे, PWD और शहर के जनप्रतिनिधि, सभी पार्षद उपस्थित थे, जिसमें हमने मेले के दौरान सफाई व्यवस्था के बारे में चर्चा की, जिसके लिए हमने DC साहब को 7-8 लाख रुपए का एक एस्टीमेट भेजा है, जिसमें टॉयलेट की रिपेयर, मुरम्मत, शहर में डस्टबिन लगाना, शहर में तथा मेले में ठेके पर कर्मचारी रखना, इसके संदर्भ में हमने एक चर्चा की तथा फायर ब्रिगेड से भी हमारे यहां पे अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि मेले में कैसे अग्निशमन की व्यवस्था होगी, शहर को कैसे, चौटा को कैसे अग्निशमन विभाग की ओर से साफ किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा